अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इन गॉसिप सैम्स व्लॉग। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यह है चिकन। चिकन हमने ले लिया यहाँ पे बॉनलेस, इस तरह से इसके कर लिए छोटे छोटे पीसेस, क्योंकि हमें यूज़ करना है इसको अपने वड़ा पाव में, यानी इंडियन डिश में। ठीक है, इंडियन स्टाइल जो डिश है, इसका तो वैसे नाम आप बन कबाब भी कैसे, बट मैंने सोचा थोड़ा इंडिया का जो नाम है ना, स्ट्रीट फूड जो होता है इंडिया का, मुझे बहुत पसंद है, मैं देखती रहती हूँ। तो ऑयलिंग आप ले लीजिए 1 टेबल स्पून इस तरह, उसके अंदर चिकन डाल के इसको अच्छी से भून लीजिए, यानी चिकन को हमने गलाना है, फ्राई कर लेना है कुछ इस तरह। तो हाँ, मैं बात कर रही थी इंडियन फूड की, तो भाई इंडियन फूड के जो नाम होता है ना, जैसे वड़ा पाव, पाव भाजी, तो ये मुझे बहुत इंस्पायर किया, इसलिए मैंने नाम भी इसका यही रख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया सिर्फ कबाब मसाला। ठीक है, दो तरह का मसाला डालेंगे आप, शान का या नेशनल का, जिस भी कंपनी का, या दूसरे का भी कर सकते हैं। एक हमने लिया है सीख का सीख कबाब मसाला, और दूसरा हमने लिया है पॉटी मसाला। ठीक है, दोनों इसी कंपनी के, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, बट बताने का मकसद मेरा ये है कि जो हम बारबेक्यू वाले मसाले यूज़ करते हैं ना, दोनों तरह के, तो दोनों ही डाले हैं हमने। ठीक है, अपनी तरफ से कोई भी नमक, मसाला, लहसुन, अदरक कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस पाउडर मसाले में सब कुछ होता है मौजूद। तो हम दिखा देते हैं, ये तंदूरी और टिक्का सिर्फ मसाला आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, और दोनों ही मिक्स करके आप डाल लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी टेबल स्पून सब वगैरह, और इस तरह से आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, क्योंकि चिकन हमने गलानी है, क्योंकि इसमें टमाटर और दही तो है ही नहीं, जो ये अपने गल जाएगी। तो चिकन इस तरह भूनते जाए तो इस शेप के अंदर वो आ जाएगी, आई मीन इस स्टेज में वो इस तरह से भून जाएगी अच्छे से। यहाँ पे हमने ले लिया टमाटर और खीरा, इसलिए क्योंकि आपने अपने सजाना है। मेयोनीज ले ली हमने यंग्स की, और शंगरीला का केचप हमने ले लिया, हमने ज़्यादा वो सजाना वगैरह नहीं है, ओवर ना करना, सिंपल इंग्रेडिएंट्स लाते हैं घर के ही बन, आप चाहें तो बड़े भी ले सकते हैं, बट हमने बनाया ना वड़ा पाव, तो वड़ा पाव में छोटे वाले बन ही किए जाते हैं। इस तरह से लाइट लाइट से ऑयल लगा के आप इनको सेक लीजिए कुछ इस तरह। ठीक है, अगर ये इस तरह टूट भी जाए एक दूसरे से, ऊपर नीचे का पार्ट इसका लगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपने रख लेनी है सारी ये चिकन। ठीक है, आप चिकन नहीं तो कुछ आपने पेस्ट बनाया हो, जैसे शामी कबाब का है, दाल के कबाब बनाते हैं ना हम लोग, तो उसका भी पेस्ट आप लगा सकें वड़ा पाव में, वो भी रखे जाते हैं। ठीक है, वैसे छोटे छोटे से चिकन के बन कबाब हैं, छोटे से प्यारे से। आप चाहें तो मेयोनीज और कुछ नहीं तो कुछ और चीज़ वगैरह भी डाल सकते हैं, एज़ यू वांट, बट हमने जो था वही यूज़ किया, क्योंकि हम रेसिपीज वही लाते हैं घर के, मसालों से हो जाए सब कुछ तैयार फटाफट। तो टोमेटो और कुकम्बर्स को रख के इसको कर लीजिए के तैयार। अच्छा, मैं यहाँ पे कहूँगी कि बन को आप लाजमी सेकिएगा, क्योंकि टेस्ट जब ही आया था। ठीक है, यहाँ पर हमने तीन बना लिए थे कुछ इस तरह। ठीक है, मेयोनीज वगैरह, केचप वगैरह डाल के आप बना लीजिए इसको अच्छे से, चटपटा दोपहर का खाना था ये, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो जो है बहुत कुरकुरे से रहते हैं। अच्छा, आप टमाटर नहीं रखना चाहें, कुछ लोग नहीं खाते, तो आप टमाटर नहीं रखिएगा, लेकिन खीरा फिर भी खा लेते हैं। या अगर आप चाहें कि मुंह में ना आए सब्ज़ी वगैरह, मतलब वेजिटेबल्स सलाद के तौर पे बन में मुंह में, तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, यानी सिर्फ जो आपने वड़ा पाव की जो बनाई है ना, चिकन और बन को आपने स्पाइस किया, और जो मेयोनीज़ और केचप लगाए, सिर्फ ये खा लें और साइड पर रख दिए सलाद कुछ इस तरह, जैसे कि हमने किया है यहाँ। ठीक है, वड़ा पाव की रेसिपी सिंपल सी हमारे पाकिस्तानी स्टाइल में आपको आई होगी पसंद, आई होप। तुम कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ, चाय के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं इसको, जैसे चाहे आप बना सकते, जल्दी से झटपट बन जाने वाली। अगर चिकन घर में मौजूद है और बन कबाब इस तरह हैं, तो आप ज़रूर बना सकते, क्योंकि इस तरह के बन कबाब बन मिर्च वालों के यहाँ बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। सब्सक्राइब रखिएगा, लाइक रखिएगा। अल्लाह।